जनपद के जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों एवं सीएससी पीएससी पर लग रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में किया गया। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडे सहित संबंधित अस्पतालों के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में लगाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा उसे 10 दिनों के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, उससे मतलब ये सप्लाई दे दे रहे हैं, ये तो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो गया, पाइपलाइन तैयार हो गई, पाइपलाइन तैयार हो गया, अभी 10 11 10 मिनट रखते हैं जी, उससे बात करिए कौन है ये कौन सा है, इसको चेंज करनी थी इधर 10 को बुलाइए जनरेटर एसआईसी मेल से बात करें तो हम प्लान बना रहे हैं, कहाँ का एसआईसी मेल? हाँ हेलो, और यहाँ तक लीगल की बात है, लीगल से जो भी मीटिंग ली गई है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट जो लग रहे हैं जिले में अलग अलग सीएचसी में, जिला अस्पताल में, टीवी अस्पताल में, उनका रिव्यू किया गया है। उसमें जो प्लांट कहाँ कहाँ आ गए हैं, कहाँ कहाँ पाइपलाइन लग गई है, उसका पूरा रिव्यू किया गया। जैसे बड़लगंज में पूरा प्लांट लग भी गया है, पाइपलाइन भी लग गई है और हॉस्पिटल पूरा अभी रनिंग कंडीशन में आ गया है, जो कोविड के लिए डेडिकेटेड 50-बेड हॉस्पिटल तैयार है। इसी तरह चौरी चौरा में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन लग गई है, प्लांट वहाँ आ चुका है, अब कनेक्ट होगा, नेक्स्ट 2-3 दिन में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह करते हुए हमने 10 जो लोकेशंस फाइनलाइज की गई है जिले में, उनका रिव्यू किया गया है और उसको स्पीडअप करके आने वाले 10 दिनों में हमें कंप्लीट करना है। और जो और समस्याएं हैं जैसे जनरेटर की या बिजली की, उसको भी सीएचसी बार हॉस्पिटल बार टेकअप किया गया है, कहाँ कहाँ ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं, वो सब किया गया। इसके अलावा विधायक निधि, सांसद निधि से जो ऑक्सीजन प्लांट लगने थे या पाइपलाइन लगनी थी, उसको भी आज रिव्यू किया गया। विधायक निधि से चौरी चौरा में लग चुकी है, कैंपियरगंज में स्टार्ट है और खजनी में भी स्टार्ट है। बांसगांव में जो हमें मिला है उसमें निधि से, उसमें उन्होंने माननीय विधायक जी ने एक्सरे मशीन के लिए कहा है, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।